सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है। हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ़ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक पंडित ने कन्फ्यूज कर दिया है, जाकिर साहब। उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए, दूसरा कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हाथ नज़दीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, मना मत करना। मैंने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से, अच्छे काम। जो काम मिसाल के तौर पे हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से, हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते, दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, मुझे मेडिकल कॉलेज में था, मुझे सिखाया गया था ये दिमाग जो है, ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है, और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है, लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है जिस साइड पे दिल है, इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, आप बिल्कुल सही करते। लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जान बूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माई ब्रेन, तो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से? जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक सर। दोनों से? यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु
واشهد ان محمدن محمد عبده ورسوله ورسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے آپ مسلمان ہو چکے ہیں